कामों को दिखाने में मोइनुद्दीन चिश्ती का बहुत बड़ा रोल रहा है। जी नमस्कार, मैं पिपलांत्री में बेटी पानी पेड़ गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार देकर इस गांव को पर्यटन ग्राम की ओर ले जाने का काम कर रहा हूं। इस गांव को देखकर राजस्थान ही नहीं देश की कई ग्राम पंचायतें इस पर काम कर रही है और इस कामों को पाठ्यक्रम से भी राजस्थान, आसाम, बंगाल और डेनमार्क जैसे देशों ने भी अपने पाठ्यक्रम से इसको जोड़ा है और बहुत उत्कृष्ट कार्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर हुआ है। अब काम तो हुआ है पर जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इस काम को दिखाने के लिए मेरे मित्र आज मेरे छोटे भाई की तरह हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती 2012 में रात को 12 बजे एक ऑटो लेकर मेरे गांव में आए और ढूंढते ढूंढते मुझे पूछा, मेरे से मिले, हम लोगों ने इनको ठहरने की व्यवस्था की और उसके बाद इस व्यक्ति ने इस गांव कर लिखते 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 लगभग 4 किताबें भी इस पर लिखी है। कई अखबारों में इसके खबरें प्रकाशित हुई है, कई न्यूज़ चैनलों पर हुआ है और इस गांव को ज़्यादा हाईलाइट करने में, इस काम को दिखाने में, मैंने पहले भी निवेदन किया कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा है, तो इस कामों को दिखाने में मोइनुद्दीन चिश्ती का बहुत बड़ा रोल रहा है और मैं चाहता हूँ कि मोइनुद्दीन चिश्ती पिपलांत्री की तरह देश में जो नवाचार हो रहे हैं, हर क्षेत्र में नवाचार हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो नवाचार हो रहे हैं, उन एक एक कामों को एग्री, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, सोलर का हो, पशुपालन का क्षेत्र हो या कृषि में नवाचार के काम हो, इस नवाचार के कामों को ढूंढ ढूंढ कर इन आपस में एक दूसरे सरपंचों से, किसानों से आपस में एक मंच पर लाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और चाहता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप दिन रात इसी तरह से लगे रहें और इस देश में ये बहुत बड़ी सेवा है। आज देखिए हमारी चारा का ज़मीन है बेशकीमती, हर एक ग्राम पंचायत के पास अपनी खुद की सैकड़ों बीघा चारा का ज़मीन है, वो अतिक्रमण से भरी जा रही है, वो नष्ट हो रही है, अवैध माइनिंग हो रहा है या अवैध कॉलोनियाँ बस रही है, तो उस ज़मीनों को बचाकर लोगों को वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित करना, जल संरक्षण के काम को लेकर प्रेरित करना, फिर वहाँ पर वन्य जीव को बचाने का काम होना, फिर जब इतना अच्छा काम हो तो गाँव में टूरिस्ट भी आएंगे, तो ये काम जो हो रहा है मैं मानता हूँ बहुत बड़ा काम है। इसको आगे बढ़ाने में मोइनुद्दीन चिश्ती आप लगे रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।